राम राम जी। आज एक रियल स्टोरी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यदि आप ये वीडियो अंत तक देखते हैं तो आपके जो आज अपने सपने देख रखे हैं वो 100 गुना बड़े हो जाएंगे, मैं गारंटी लेता हूं। और दोस्तों ये स्टोरी है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, आपने शायद नाम सुना होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जब 22 साल की उम्र के थे तो एक मुहिम उन्होंने चला रखी थी। उस मुहिम के लिए दान लेने के लिए एक मुख्यमंत्री के पास में गए थे। वहां से उन्होंने अपना प्लान रखा और उन्हें 65 करोड़ का डोनेशन वहां मुख्यमंत्री साहब ने दिया भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा को। और उसी टाइम पे मुख्यमंत्री साहब ने लंदन की यूनिवर्सिटी को 1500 करोड़ रुपए भी दान दिए थे दोस्तों। तब डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने पूछा कि आपने भारत की यूनिवर्सिटी को दान क्यों नहीं दिया इतना बड़ा, भारत में भी यूनिवर्सिटी बन सकती है इतने पैसों में, आपने इतना बड़ा दान इंडिया में ही क्यों नहीं दिया, आपने लंदन में विदेश में इतना पैसा क्यों पहुंचाया। तो दोस्तों मुख्यमंत्री साहब ने जवाब दिया कि मैं देना चाहता हूं भारत में भी इतने बड़ी अमाउंट दान के लिए, लेकिन भारत में कोई लेने वाला ही नहीं है, कोई इतनी बड़ी सोच रखता ही नहीं है, किसी के सपने ही नहीं है कि मेरे से इतने ज्यादा अमाउंट दान में मांग सके। छोटी सी सोच लेके मेरे पास आते हैं तो छोटी सोच के लिए मैं छोटे ही दान देता हूं। तो दोस्तों तब डॉक्टर विवेक बिंद्रा के मन में आया कि मैंने 65 करोड़ रुपए का ही प्लान क्यों बताया, मैं यहाँ पे 1000 करोड़ का प्लान बता सकता था और शायद मेरे को यहाँ से डोनेशन मिल भी जाता। तो दोस्तों इस स्टोरी से हमें सीख ये मिलती है कि जो आप सपने देख रहे हैं वो सपने आप हमेशा बड़े देखिए। एक सपना आपकी जिंदगी का बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यदि आप सपने बड़े देखोगे तो आप बड़े लेवल पे ही उस सपने को प्राप्त करने के लिए मेहनत करोगे, ज्यादा एफर्ट लगाओगे। यदि आपका सपना ये है कि आपको मारुति 800 खरीदनी है, आपका लक्ष्य है, ये सपना है, तो आप मारुति 800 की पेमेंट इकट्ठा करने में ही इतनी ही मेहनत लगाओगे। यदि आपका सपना है कि मेरे को बड़ी गाड़ी खरीदनी है, क्रेटा गाड़ी खरीदनी है, तो आप उसके लिए उसपे मेहनत करोगे, एफर्ट लगाओगे और लगन से काम करोगे तो आपकी क्रेटा गाड़ी का सपना भी पूरा होगा दोस्तों। इसलिए जो सपना आप देख रहे हो वो एक सपना तो आपके लाइफ में बहुत बड़ा होना चाहिए जो दूसरे देख कर आपका आप पर हंसे, ठीक है। इसलिए एक सपना हमेशा बड़ा रखें, आपके छोटे छोटे सपने होने चाहिए जो आपको बड़ा लक्ष्य है, बड़ा सपना पूरा करने के लिए आपकी हेल्प करें, ठीक है। इसलिए सपने देखें, बड़े देखें और दोस्तों उसके हिसाब से मेहनत भी ऑटोमेटिक आएगी अंदर से। और आपका जो सपना है कमेंट करके बताइए, और दोस्तों आपका जो सपना है आप अपने सामने लिख लीजिए और हर रोज जब भी आप उठे जब भी आप बैठे आपको आपका सपना सामने दिखाई देना चाहिए, ताकि आप अपने सपने को प्राप्त करने के लिए हमेशा लगातार मेहनत करते रहें। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसे लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताना है। आपका लक्ष्य क्या है, आपका सपना क्या है, नीचे कमेंट करके बताइए। आप दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं KTDTV लोग नाम से, वहां पे भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।